अभी हमने एक चीज अनुभव की कि जब अध्यापकों के लिए एपीआई जब चला तो उसमें ई कंटेंट वगैरह चला, आप विश्वास कीजिए जो अध्यापक कभी कुछ नहीं जानना जानते थे आज वो मोबाइल से पूरा चैनल अपना चला रहे हैं, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपको जिस परिवेश में रहना है जरूरत के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। मुझे एबीसीडी नहीं पता था, लेकिन आज छोटा सा चैनल भी बना हुआ है यूट्यूब पर, जब मन करता है तब उस पर अपना वीडियो डाल देते हैं। आपको अपने हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा और अनुवाद के क्षेत्र में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। लेकिन फिर याद रखिएगा अनुवाद की सर आपको बहुत गहराई से बात करेंगे, अनुवाद की सबसे पहली शर्त है अनुवाद के जितने प्रकार होते हैं उसमें भावानुवाद को सबसे पहले स्थान पर रखा जाता है। अनुवाद जब करिएगा तो उसका सेंस नहीं गड़बड़ाना चाहिए, जब उसका सेंस गड़बड़ा जाएगा तो आप तमिल में बैठे हुए रचनाकार की रचना को जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आपको उल्टा ही समझ में आएगा, सब पता नहीं वो अगला आदमी आपसे क्या बात करना चाह रहा है। या हमारी हिंदी का अनुवाद अगर दूसरी मलयालम में कोई करेगा, अगर कुशल अनुवादक नहीं है तब उसके लिए भी समस्या होगी। तो ये बात क्लियर हुई कि आप स्नातक करते हैं, पराय स्नातक करते हैं तो अनुवाद के क्षेत्र में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। एक बात और आपको बता दूं कि अनुवाद एक ऐसा विषय है जिसमें हिंदी अधिकारी अनुवादक जो भी आप बनते हैं यह आगे आने वाले समय में कभी समाप्त भी नहीं। तो इसमें भी आपको देखेंगे थोड़ा मन लगाएंगे, लेकिन फिर कई बात मैं आपसे बार बार साझा करता रहूंगा कि अगर रुचि है तभी इसमें कदम रखिएगा, बिना रुचि के कदम रखेंगे कोई भी गाड़ी आपकी कहीं भी एक्सीडेंट मार सकती है। और बड़ा दुख होता है कि जब आप मंजिल पर चल रहे होते हैं तो चीजें जब नहीं मिलती हैं तो बहुत निराशा हाल होती है। इसके बाद आप देखेंगे जो काम पहले हाथ से हुआ करते थे आज काम हमारे टीवी यूट्यूब और जितने भी चैनल्स बहुत सारी चीजें जितने भी हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया इससे होने लगे। आपने देखा होगा कुछ लोग बोल अच्छा लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते, कुछ लोग लिख अच्छा लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, कुछ लोग समझा अच्छा लेते हैं ना बोल सकते हैं ना लिख बेहतर पाते। तो हर आदमी के अंदर कोई ना कोई कला या तकनीकी जरूर है। और आप जिस काम में लगे जिस क्षेत्र में लगे चाहे टीवी में जाइए चाहे अखबार में जाइए, आप अपनी बात को कहने का जो ढंग है वो तरीका बदल दीजिए एकदम अलग ढंग से काम। आपने कभी ध्यान दिया है 500 पेज का उपन्यास 3 घंटे में जो फिल्म बनाने वाला सीरीज बनाने वाला बता के चला जाता है, क्या है उसमें कि वो पूरी बॉडी को एक्टिव करता है। बच्चा जो बोलना नहीं जानता वो सॉरी लिखना पढ़ना नहीं जानता हिंदी और सीरियल को देख के बता देता है पता है इसको ही गोली मार देती है, क्यों? क्योंकि वहां देखना समझना रचनाएं भी बहुत सारी आती है फिल्में भी बहुत सारी आती है लेकिन क्या बात है कुछ खास आपके दिल और दिमाग पर छा जाती है। क्यों? क्योंकि उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। काम तो कोई भी कर सकता है लेकिन काम जब अलग ढंग से करेंगे तभी सफलता आपके बहुत नजदीक आ जाएगी, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। इसके बाद लेखन की मैं आपसे बात कर रहा था, लेखन के क्षेत्र में भी संभावनाएं हैं। आप जैसे YouTube वगैरह पर इंटरनेट पर इस पर आप लेखन करते हैं और ब्लॉगर भी बनते हैं, लोग अलग अलग ब्लॉग बनाते हैं उसमें भी आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं। एक बड़ी मजेदार चीज आपको बता रहा हूँ, आपने ये शॉर्ट वीडियो जो होते हैं या यूट्यूब चैनल पर कभी देखे होंगे, आप यहाँ लाखों रुपए का स्टूडेंट रख दीजिए वो धुन नहीं बजा पाएगा जो एक सड़क पे चलता हुआ बच्चा पत्थरों से धुन निकालता है। लेकिन होता क्या है कि जो प्राकृतिक कलाएं हैं जो नेचुरल आर्ट है उसको हम लोग तवज्जो नहीं देते, क्योंकि जो प्रकृति तत्प्रदत्त चीजें उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा लेकिन उसके पास कला है, ये सब चीज मनोरंजन के लिए। और इसके बाद आप जैसे कॉल सेंटर आजकल तो सरकारी के साथ साथ प्राइवेट के
साथ साथ सरकारी में भी बनने लगे हैं। आप देखिए कॉल सेंटर पर काम करने वाला आदमी कभी आपको कड़क भाषा में बात नहीं करता, आपने फोन किया तो बोलेगी या बोलेगा उसका व्यवहार है, उसको बताया जाता है कि आपको ऐसे करना है। वहां लगेंगे अपनी योग्यता को बखार करने की आपको मुश्किल होगा, क्योंकि वो क्या करना है उसको अलग ढंग से काम करना है, लोग उसकी ओर आकर्षित। विज्ञापनों में देखिए हिंदी, मैं तो यही सोच रहा था यार हिंदी में काहे विज्ञापन देते हैं। केरला में जाने का मौका मिला एक बार तो वहां देखिए कि जितने विज्ञापन आ रहे थे सब मलयालम भाषा में आ रहे थे। मेरा भाई कह रहा था और दूसरे चैनल लगा दी मैं, भैया कुछ है नहीं यहाँ, बोले बंद कर दी, मैं भी बंद नहीं करती, ये देखना कि हम जब जाते हैं केरला में तो विज्ञापन हिंदी में होता है, यहाँ का किस में चल रहा है मलयालम में, क्योंकि उसको पता है कि भाषा जिस भाषा में लोग रहते हैं उस भाषा में बात करना बहुत लाजमी है। आप कितने भी बड़े बैंक अधिकारी रहिए, जब कोई आपके पास लोन लेने आए तो आप उससे टॉक उसी भाषा में कीजिए जिस भाषा को वो समझ सकता है। प्राइमरी स्कूल आपका जिस भाषा बोली के एरिया में है उसी भाषा में बात करनी पड़ेगी बच्चे से, तभी आपकी बात उसके पास तक पहुंच पाएगी। न्याय का तो आपको पता ही है, आप चाहते धीरे धीरे अंग्रेजी के साथ साथ लड़ने हिंदी में भी लिए जाते हैं, वो भी क्यों ना भाई, पैसा खर्च किया समय बर्बाद किया, न्याय चाहिए तो हमको अपनी ही भाषा में कम से कम अपनी बात समझने और समझाने का मौका तो मिलना ही चाहिए। तो ये हुआ, उसके बाद एक चलिए एक और क्षेत्र है कि अध्यापक अलग बनना, अध्यापक अगर बनना है आप प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक कहीं का अध्यापक बनिए, सबसे बेहतर अध्यापक की पहचान किस रूप में होती है, अगर मैं आपसे एक लाइन में कहूं क्योंकि आप विद्यार्थी हैं अध्यापकों से रूबरू भी होते हैं, तो सबसे बेहतर अध्यापक कौन होता है, क्या चाहिए आपको, एक चीज चाहिए बस, क्या क्वालिटी होनी चाहिए अध्यापक, बेहतर अध्यापक वो होता है, वो नहीं होता जो आपके हर सवाल का सही जवाब दे, बल्कि वो होता है जो आपको सही सवाल पूछने पर मजबूर करते और सही सवाल पूछना सिखा दे। सच क्या है गलत क्या है इस बात में फर्क करना सिखा दे, कोई हमसे बड़ा है हमारा गुरु है इसलिए उसको फॉलो करने की जरूरत कतई नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा बताई हुई चीजें तर्कपूर्ण और समाज उपयोगी हैं या नहीं इस बात पर अध्यापक में जाइए तभी जाइएगा प्लीज जब रुचि हो, और दूसरी चीज थोड़ा धैर्य भी हो, क्योंकि भाई हम मानव हैं तो सब सबको आता है लेकिन धैर्य होना बहुत जरूरी है। चलिए मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ, और तो आपसे मैंने जितनी बातें साझा की कि आपको काम करना है सिर्फ अलग ढंग से करना है, और कहते हैं ना आपको पता है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर को पहिया से उछाल दो यार, बातें सुनी हुई है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप खुद ही काम करिएगा अपनी रुचि के मुताबिक ही अपनी रुचि लेगा। इसके साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, ये हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है, और मैं पूरे सभागार से अपील करूंगा कि करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें, और उन्हें सम्मान मिल रहा है, केदार के लोग सम्मान आगामी 3 मार्च को हमारे बीच कवि अनुवादक के सत्यनारायण जी बैठे हैं, वो पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी हैं लेकिन आज हमारे बीच कवि और अनुवादक के रूप में हैं, और ये कविता की ताकत है जो उन्हें खींच लाई है और हम उनके साथ गुफ्तगू करने के लिए बैठे हैं। हम जानते हैं कि श्री तेलुगु के महान कवि श्री रंगम श्रीनिवास राव की एक कविता है महाप्रस्थानम, और श्री श्री पर हिंदी में इतनी कविताएं लिखी गई हैं, श्री श्री की स्मृति इतनी हिंदी कविता पर है
कि एक तरह से हमारी हिंदी कविता का तेलुगु पर ऋण था, उस ऋण को जैसे के सत्यनारायण जी ने केदारनाथ सिंह की कविता का तेलुगु में अनुवाद करके मानो उसका ऋण से पूर्ण हुई। भाव अंतरिक्ष की चेतना होती है और एक चीज का दूसरी भाषा में जाना उस समूचे भाव अंतरिक्ष में जाना है। तो उन्हें सुनने से पहले आज हम लोगों का सौभाग्य है कि इस पूरे पाठ्यक्रम के मुख्य सूत्रधार और जिनके संकल्प और प्रस्तावना से यह रचनात्मक लेखन का पाठ्यक्रम बना है हम लोगों के संरक्षक मार्गदर्शक प्रोफेसर सत्यदेव सिंह जी भी हमारे साथ, उनका भी सानिध्य मिल रहा है, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। मैं उनके वक्तव्य के पहले औपचारिक स्वागत के तौर पर मैं चाहूँगा कि महाविद्यालय की तरफ से स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र आज हम लोगों के संरक्षक प्रोफेसर सत्यदेव सिंह जी मुख्य अतिथि को भेंट करें, इसके साथ औपचारिक उनका स्वागत हो। साथ में मैं माफी भी मांगता हूँ जो
मेरा लेट के वजह से किसी वजह से मैं लेट हो गया था, तो आगे कभी ऐसा लेट नहीं होगा। तो मुझे किस सब्जेक्ट पर बोलना है मुझे कोई आइडिया नहीं है, आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। पहले आपका सवाल मैं जानना चाह रहा था, फिर इसके बाद उस सवालों के माध्यम से मैं कुछ बोल पाऊँ क्या, मैं किस और बात करना। स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ बात कर लीजिए, एक कवि के रूप में नहीं है, अनुवादक के रूप में नहीं है, और एक IPS ऑफिसर हूँ, एक करियर भी, आपका करियर प्लान कैसा करना है, आपका फ्यूचर प्लान कैसा करना है, क्या है, वो भी उस संबंध में भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो आप लोग सवाल पूछिए ताकि आपके सवालों के माध्यम से ही हम बात कर लेंगे। सर UPSC में सर हिंदी का सर क्या महत्व रहेगा सर, क्योंकि अभी हिंदी मीडियम से तो रिजल्ट बहुत ज्यादा कम आ रहा है सर। बहुत बढ़िया है, ये अच्छा सवाल पूछा है। UPSC आप UPPSC मतलब UP का पब्लिक सर्विस कमीशन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो IAS IPS एग्जाम हो, उसमें हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। खासकर जो हिंदी माध्यम से लिखते हैं उनके लिए, दूसरा हिंदी साहित्य का एक ऑप्शन के रूप में जो चुनते हैं उनके लिए सिलेक्शन का जो है काफी अच्छा चांसेस है। और हमारे बैच में भी मतलब अब तो हमको 25 साल हो गया, हमारा बैच में भी कई लोग हैं जो हिंदी को ऑप्शन के रूप में लिया और हिंदी माध्यम से भी लिखा है, वो आज के डेट में बहुत अच्छे अच्छे पदों पर है। तो ये हिंदी माध्यम और हिंदी साहित्य एक ऑप्शन के रूप में जो लोग लेंगे उसके लिए बहुत सुविधाजनक रहता है। क्यों, जैसा मैं हूँ, मैं तो तेलुगु ऑप्शनल है, मेरा तेलुगु साहित्य मेरा ऑप्शन था और मैं तेलुगु मीडियम में मैं लिखा, मैं आपके सामने मतलब तेलुगु मीडियम और तेलुगु ऑप्शनल लिख के मैं यहाँ हूँ, तो इसका मतलब आप समझे। इसका एक बेहतरीन चीज मैंने जो देखा, क्योंकि मैं बचपन से तेलुगु मीडियम में पढ़े थे, मैं गांव का रहने वाला था, बहुत ही सामान्य गांव का रहने वाला था, वही गांव में ही पढ़े थे, मुझे तो इंग्लिश मीडियम का कोई छाया भी नहीं था। जहां तक मैं PG भी तेलुगु मीडियम में कंप्लीट की, मतलब PG मैं इकोनॉमिक्स में PG किया तब भी वो तेलुगु मीडियम में किया, आप समझ लीजिए। तेलुगु साहित्य मेरा पहला सब्जेक्ट नहीं था, मगर जब तक मैं किया था वो सब तेलुगु मीडियम में ही मैं पढ़ा। जब UPSC के अटेम्प्ट देने लगे, जो साथ में जो स्टूडेंट्स थे सब लोगों ने कहा इंग्लिश मीडियम में जो लिखेंगे उन्हीं को IAS IPS मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। ये भावना मतलब ये दुर्भावना फैली हुई थी उस समय, अभी भी है सर, अभी भी है, बहुत ज्यादा दुर्भावना का शिकार हो गया था मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ। मैं भी चलो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा जाए, फिर सारे किताबें पढ़े, फिर इंग्लिश मीडियम में लिखा, हर बार मुझे प्रिलिमिनरी पास हो जाता, फर्स्ट में प्रिलिमिनरी क्लियर कर लिया, मेंस में जो है मैं फेल हो जाता। दो बार देखा मुझे समझ में नहीं आया क्यों फेल हो रहा, सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कमांड था मेरा, खासकर तेलुगु लिटरेचर में मेरा अच्छा स्कोर आता, मतलब IWAS टॉपर इन द कंट्री एवरी टाइम, जब भी मैं लिखता था टॉपर में मेरा नंबर रहता। मगर ये जो हिस्ट्री मेरा दूसरा ऑप्शन था और बाकी जनरल स्टडीज में अंक कम आते, समझ में नहीं आया। तब मुझे एक दिन बैठ के रोने लगा, रोने के पर जो है आंखों में आंसू जब गिर रहा था उसी में से समाधान एक निकल के आया, भैया तुम गलत रास्ता पकड़े हो, अब जो है आप अपने दिल का भाषा चुनो। मेरा दिल का भाषा तो तेलुगु था, ये इंग्लिश का चक्कर में काफी पड़ गया, तो हम सारे किताब बगल में रखा, जो मेटेरियल सारे जो मुझे इंग्लिश में जो है सब मैं तेलुगु में ट्रांसलेट करके मेरा खुद का नोट तैयार किया, फिर लिखा, सीधे IPS आ गया। अब जो है आपको एक अगर उदाहरण था, मुझे जो आदमी देखा, जो लोगों ने मेरा
पेपर में इंटरव्यू पढ़ा, उनको लगा भाई तेलुगु मीडियम में ले सकते हैं और तेलुगु साहित्य में भी हम लोग ऑप्शन ले सकते हैं, सोच के वो भी लिखा है मेरे बाप 4-5 साल बाद, वो भी तेलुगु माध्यम से लिखा, फिर वो IAS बन गया। वो बस्ती का जो कमिश्नर थे रंगाराव, वो मुझे देख के वो तेलुगु में लिखा, वो IAS हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप चुनो अपना दिल की भाषा, आप चुनो अपना दिल का सब्जेक्ट, ये नहीं किसी का कहने पर, किसी का वजह से या किसी को सिलेक्शन हुआ, जैसे सर का बेटी का सिलेक्शन हुआ, वो इकोनॉमिक्स में हुआ होगा, फिर मैम तो इकोनॉमिक्स का तो इतना पंडित तो है, तो हमारे जो भाषा है, मेरा तेलुगु साहित्य में मेरा पकड़ था, तो मैं तेलुगु साहित्य को मैंने चुन लिया। हिस्ट्री मेरा पैशन था, हिस्ट्री मैंने ऑप्शन में ले लिया, ना हिस्ट्री मैंने पढ़ा ना तेलुगु लिटरेचर मैंने पढ़ा, मैं पढ़ा था इकोनॉमिक्स, मैं इकोनॉमिक्स किया था, मगर जो मेरा सिविल सर्विस का ऑप्शन था, जो UPSC ये कहती है आप दिल का भाषा से लिखो, दिल का सब्जेक्ट पढ़ो और आपका दिल से लिखना होगा, ये नहीं किसी का कहने पर या किसी का किताब का रकम मारे, तुम पढ़ा लिखा कुछ नहीं होने का तुम्हारा, जब तुम्हारा अपना भाषा से लिखोगे तो फिर तुमको निश्चित रूप से सफलता मिलेगा, राइट? यस, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, या प्लीज। सर मैं आपका हिंदी पर आपका विचार जानना चाहता हूँ कि सर हिंदी आज भी हम लोग का जो संविधान का अनुच्छेद 343 है वो हिंदी को राजभाषा डिक्लेयर करता है, लेकिन आज भी संविधान के रूप में कानून रूप में हिंदी को राजभाषा नहीं माना गया, तो सर इसका कारण क्या है और कैसे मतलब कि होगा कि संवैधानिक रूप से राजभाषा हिंदी बन जाए और दक्षिण भारत में आज भी क्यों नहीं बना पा रहा है? इसमें केंद्रनाथ सिंह की एक कविता है हिंदी, है ना, पढ़ लीजिए उसको, उसमें ये लिखता है मेरा भाषा कोई राज नहीं है, राज नहीं है, हमको राज नहीं चाहिए भाषा, वो हिंदी का वो लिखते हैं। तो कोई भी भाषा किसी के ऊपर राज नहीं कर सकती है, राज का शब्द में ही एक फोर्स जो है किसी के ऊपर थोपने का एक अधिकार, वो अधिकार जो है उसमें दर्शाता है, जहां अधिकार होगा उसका विरोध जरूर होगा, है? जहां तुम अधिकार दिखाओगे, जैसे मैं पुलिस हूं, मैं पुलिस का अधिकार जहां दिखाने लगेगा तो तुम तुरंत मुझे विरोध करना शुरू करोगे, मैं आपके साथ फ्रेंडली बात कर लिया, साइलेंटर से बात किया, आप मेरे बगल में बैठ के चाय पियोगे। तो हिंदी को यह करना चाहिए, आपको बाकी भाषाओं का जो भी दक्षिण भारत का भाषा है उनको साथ बैठ के चाय पीना चाहिए हिंदी में। उनके ऊपर दंगा चलाने का प्रयास करेगा कोई भाषा राज नहीं कर सकती। बात समझ गए? मुझसे ले लीजिए, मुझे प्रेरणा कैसे मिली है ये बात, ये दूसरा प्रश्न का तो मैंने कह दिया, तो मुझसे प्रेरणा ले लो, जिस कवि का आप तेलुगु में चाहते हो मैं बता सकता हूँ उसके बारे में। अब जो है केदारनाथ सिंह का प्रेरणा जो है 2015 की बात थी, मैं जब आंध्र प्रदेश में मेरा पोस्टिंग था, उस समय 5 साल के लिए मैं डिप्टेशन गया था, DG फायर सर्विस थे, उस समय 2020 में एक पुस्तक मेला में मैं गया था, वहाँ एक पत्रकार मुझे मिले, उन्होंने कहा सर आपके लिए मैं ये किताब भेंट करना चाह रहा था, वो तीन प्रतिनिधि कविताओं का, तीन कवियों का जो है मुझे उन्होंने भेंट किया, कहकर उन्होंने कहा ये तीनों किताब आप पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी, क्योंकि वो अच्छा पत्रकार थे, मुस्लिम पत्रकार थे, उनका उर्दू और हिंदी में काफ़ी पकड़ थे, तो उन्होंने मुझे दिया, मैं इसको ले रहा था ऑफिस में रखा, कई दिन इधर उधर पढ़ते रहा, कुछ समझ में नहीं आया वहाँ रखे रहे। फिर एक दिन मुझे इनका केदारनाथ सिंह का प्रतिनिधि कविताओं का जो किताब है वो राजकमल वाला, वो मैं लिया,
फिर तुम कुछ कथा छोटे छोटे पोएम्स कुछ पढ़े, ऐसा लग रहा है तब कुछ समझ में आ रहा है। मैंने सोचा ये तो समझ में आ रहा, मगर कोई ऐसा चीज है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे इतना आसानी तो इतना मोटा कभी मेरे जैसा आदमी को ऐसे इतना आसानी से समझ में आने जैसे कैसा कब करेंगे। ये बात मुझे भी क्वेश्चन मार्क था, फिर पढ़े फिर दोबारा पढ़े, कुछ समझ में आने वाला कोई बात था कुछ वो मेरे अंदर कम रहे। फिर मैंने सोचा भाई ठीक है इसको तो पूरा समझना पड़ेगा, तो धीरे धीरे उस कविताओं का समझने का प्रयास किया, मगर जितना समझे मुझे कहीं कहीं खम रही थी, कोई चीज है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर मेरा वहां से हो गया, वहां वापस यूपी आ गए, मेरा आईजी चित्रकूट रेंज में पोस्टिंग हो गए थे। मैं वहाँ आईजी बांदा के रूप में था। वहाँ वहाँ जो भी हिंदी का जो प्रोफेसर है रिटायर्ड है वह तमाम है, सबका नंबर लिया, सबको बात किया, सबको घर पर चाय के लिए बुलाया, उनके साथ बैठे। फिर मैंने कहा भैया ये कविता मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ आप कुछ होगा तो बताइए। फिर ये प्रोफेसर ने बताया भाई केदारनाथ सिंह को समझने का इतना आसान नहीं होगा, वो ऐसा बिंब छोड़ देते हैं, पहले उस बिंब को छेदना होगा और उस बिंब के अंदर जब आप घुसेंगे तब तो तब कविता आपको स्वरूप समझ में आएगा। तो मैंने कहा तो एक दो बिंब आप खोल के देखो फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। फिर उन्होंने कुछ बताया, वो भी खुद स्टडी करके कुछ बताया। फिर दूसरा व्यक्ति से पूछा कुछ समझे, तीन चार कविताओं को मैं हिंदी से तेलुगु में व्याख्यान लिखा पूरा। व्याख्यान लिखने के बाद तब मुझे पूरा तसल्ली से कनेक्टिंग समझ में आया, पूरा भिन्न समझ में आ गया, तब मुझे बहुत खुश हुआ। ये तो गजब लिखा है, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, इनका बारे में जानना पड़ेगा। तब मैं प्रयागराज गया, वहां वाणी प्रकाशन में जाकर उनसे मैंने कहा केदारनाथ सिंह के बारे में, केदारनाथ सिंह का संबंध में जो भी किताब तुम्हारे पास सब मुझे चाहिए। उनका पूरा उनके द्वारा लिखी हुई किताब और चौपाल और कई चीजें कई किताबें जो है उसके ऊपर जो आलोचना के जितनी किताब है सब ले ली। फिर एक एक कविता का पूरा आलोचना उनके किताब पहले पढ़ना सुनती, पहले इनके इनका रचना शैली क्या है, इसका बिंदु विधान क्या है, वो हर चीज समझने का प्रयास किया। फिर इसके बाद मैंने एक लेख लिखा तेलुगु में, तेलुगु के एक कवि है साहित्य अकादमी अवार्ड है प्रोफेसर एन गोपी, उनका और केदारनाथ सिंह का दोनों का बिंबों का तुलनात्मक अध्ययन मैंने किया, तब मुझे पूरे बात समझ में आ गई। फिर एक एक कविता उनका किताबें लिया, जो अच्छा अच्छा कविताओं का टिक मारा, फिर उसको तेलुगु में ट्रांसलेट किया। अच्छा बढ़िया है। नहीं, मैं 25 साल का नौकरी हो गई है, आप लोगों के बीच में मेरा यूपी कैडर है, तो मैं आगरा से शुरू किया, तब तक मुझे कुछ भी हिंदी नहीं आती थी उस समय। तो मैं जब देहात में जाते थे लोगों के बीच में बैठ के उनके साथ बैठ के चाय पानी पीते थे, ऐसे ऐसे हिंदी आ रहा है। जब हिंदी भाषियों के बीच में हो तो हिंदी तो आई आ गई। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, ये इस बिंदु का आगे हम लोग चले, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आप इस दुनिया में कोई है नहीं, पूरा दुनिया पूरा नकार फैला हुआ है, आप अकेले हैं। जब आप अकेले हैं तो क्या सोचोगे, क्या करोगे, आप बताओ। आपका माँ बाप नहीं है, पूरा दुनिया में कोई समाज नहीं है, कोई नहीं है, पूरा दुनिया में आप अकेले पैदा हुआ, इस पृथ्वी में आप अकेले थे, तब आप क्या करना चाहते हो वही करो। मतलब उस समय आप ये करना चाहते हो जो तुम्हारा दिल कहती है वही करोगे, है कि नहीं? क्योंकि तुमको तुम्हारे ऊपर थोपने के लिए किसी का विचार नहीं है, ना किसी का अधिकार नहीं है, ना किसी का जो है आपका दिमाग पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, ना माँ बाप का, ना टीचर्स का, किसी का कोई रोल नहीं, किसी का कोई योगदान नहीं रहेगा। तब क्या करोगे, आप अपना दिल का भाषा सुनोगे, वही सुनोगे।
चाहे आप हिंदी का या मैं हिंदी पढ़ रहा हो या ये रचनात्मक हिंदी पढ़ रहा हो संस्कृत पढ़ रहा हो व्हाट एवर यू डू फॉर द एकेडमिक पर्पस दैट इज डिफरेंट मगर अब आज से ये तय कर लो तुम्हारा करियर का बात वो बने जो रास्ता तुम जो चुन रहा हो वो तुम्हारा दिल का रास्ता तुम चुन रहा हो बात समझ गया चाहे वो कारपेंटरी का काम हो पेंटिंग का काम हो क्या रचनाकार का काम हो कुछ भी काम हो जो काम आप चुन रहे हैं वो आपका दिल का धड़कन को सुन के आप कर रहे हैं तभी आप सफल हो पाएंगे आपके लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं है फिर दोबारा कह रहा हूं आप जो आपके लिए कोई इस दुनिया में कोई कॉम्पिटिटर है नहीं भगवान ईश्वर ने इतना अच्छा बनाया इस पृथ्वी को कैसे बनाया हरेक व्यक्ति को पैरेलल लाइन दे दिया आप एक चेतना ऊंचाई तक जा सकते हो आसमान तक आसमान छू सकते हो मगर हॉरिजॉन्टल जाने के लिए किसी का हाथ नहीं है भाई ये नहीं है मेरा हाथ पैर ऐसे है ऐसे पैदल होगा तो दोनों तक लग जाएगा ये मेरा अधिकार नहीं है मुझे तो जाना है तो ऊपर ऐसे जितने भी जा सकते हैं ये कोई मेरा रास्ता में नहीं आएगा तो ऊंचाई तक जाने के लिए आपको सीधे जाना होगा दाहिने बाएं नहीं जाना है तो आपका स्पर्धा कहाँ होगा आप जब दाहिने बाएं आप हाथ फैलाना शुरू कर दोगे वहां आपका कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा वहां आपका टक्कर शुरू हो जाएगी वही आपका गिरावट शुरू होगी तो इसलिए आपको सीधे जाने के लिए क्या करना होगा फिर आपको अंदर झांक के देखना होगा भाई अंदर की क्या बात है आपके अंदर ताकत क्या है व्हाट इज योर स्ट्रेंथ जब मैं यूपीएससी लिख रहा था मैं बीच में लगा दो बार फेल होने के बाद मुझे लगा भाई कहीं मेरा ऑप्शन मेरा वजह से गड़बड़ कर रहा है हिस्ट्री ऑप्शन मुझे कहीं मुझे गिरा रहा है ये मैं सोच रखा था फिर मैं ऑप्शन चेंज किया एंथ्रोपोलॉजी गया एंथ्रोपोलॉजी की किताबें सारे खरीदा खरीदने के बाद एक बार पढ़ा मैं मुझे लगा ये कोई मेरा बस्तर नहीं है इट इज नॉट गुड फॉर मी फिर अगर मैं हिस्ट्री पर आ गया क्यों हिस्ट्री मेरे दिल को कहीं टच कर रहा तो फिर उसको आगे अच्छा तरीके से मैं नोट्स लिखा फिर अच्छा होगा तो मेरे कहने का मतलब ये है जो रास्ता आप चुन रहे हैं वो रास्ता आपका दिल का रास्ता हो और आपका अंदर का जो स्ट्रेंथ है किस चीज को पढ़ने से आपको मजा आ रहा है किस चीज किस काम करने से आपको आनंद आ रहा है उसी काम को बार बार करिए बार बार करने के बावजूद भी आपका थकावट जब तक नहीं आ रहा है इसका मतलब वही आपका दिल का काम है वही आपका दिल का इच्छा के जो है वही सब्जेक्ट आपका दिल का सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट को चुनो उसी कार्य को चुनो आप देख लेना दुनिया में कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है मैंने ये किताब लिखा कोशिश से कोई नो एक अच्छी किताब है आप पढ़ लीजिए उसमें कई ऐसा लोगों का एग्जाम्पल है जो कैसा कहां से कहां पहुंच गए हैं जो ऐसा लोगों का है जो मेरा जीवन से भी जुड़े हुए हैं मेरा दोस्त है उन लोगों के संबंध में सब उसमें मैंने लिखा कैसा है तो मेरे कहने का मतलब यह है आप अपना दिल की बात दिल की भाषा दिल के सब्जेक्ट दिल का काम ये जब सेलेक्ट करेंगे आपको कोई कॉम्पिटिशन नहीं है ना कोई ये नोटिफिकेशन से कोई मतलब है आप अरे बड़े बड़े पेंटर आज कल दुनिया में कितने एमए कुर्सियन के सामने कोई कौन सा नौकरी हमारा आगे आए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के सामने मेरा कोई नौकरी आईपीएस का कोई महत्व है बताओ आप लोग बताओ ना उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है यहाँ से भारत रत्न पाए तो उनके सामने हमारा आईएएस आईपीएस या कोई नौकरी कोई प्रोफेसर के सब कुछ काम है नहीं है तो क्यों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जब पद्मभूषण मिलने से पहले पीएचयू का जो है वही चांसलर उनका घर पर गए थे उनसे पूछा साहब आप जो है हमारे यूनिवर्सिटी में गौरव प्रोफेसर के रूप में आप पधार रहेंगे तो हमारा बच्चों का भलाई भी होगा और आपका जो है रेगुलर हम महीने का सैलरी भी देंगे तो आप और मैं होता तो क्या करते हैं दौड़ के हम पीएचयू का नौकरी कैसे छोड़ेंगे पहुंच गए होता बिस्मिल्लाह खान उनके तरफ ऐसा देख के उन्होंने कहा मुझे उन्होंने नौकरी दिया है उनका नौकरी के सामने कोई दूसरा नौकरी मैं निकाल नहीं सकता हूं उन्होंने मुझे साधनाए के लिए नौकरी दिया है मैं इस तो आपको भी ये सुनना होगा तुमको वो क्या नौकरी दिया है वो तो ऑलरेडी दे चुका है वो
पर तुम्हारा हाथ पर तुम्हारे दिल पर उन्होंने लिख चुका है ये नौकरी तुम्हारे लिए डेडिकेटेड है। हम ही गलत कर देते हैं जबरदस्ती कोई भाई तुमको राजा बनाना चाहते हैं तुम जाकर किसी के सामने सिपाही खड़े हो तलवार लेकर बंदूक लेकर खड़े रहते हो वो तो तुमको राजा बनाना चाहता था मगर तुम सिपाही का चक्कर में जो है दिन रात दौड़ के परीक्षा लिख कर किसी तरीके सिपाही बन गए और कप्तान साहब के दरवाजे के सामने तुम बंदूक लेकर खड़े हो अरे वो राजा बनाना चाहते तुम जो है सिपाही बन गए तो तुम अपना तकदीर को तुम खुद खराब करते रहो। तो उसका वास्ता क्या है सुनो उसका वास्ता यही तुम्हारा ये है कोई कॉम्पिटिशन नहीं है राइट या तेलुगु भाषा के बारे में मैं बता दूं तेलुगु भाषा जो है देश भाषा बंधु तेलुगु लहजा मतलब जो देश का जितने भाषाएं हैं सारे भाषाओं में तेलुगु महत्व अच्छी भाषा ये कहा है श्री कृष्ण देव राय ने जो श्री कृष्ण देव राय जो विजयनगर साम्राज्य का जो है बहुत बड़ा चक्रवर्ती थे अब वो बड़ा है पर छोटा है मैं उसका चर्चा नहीं करूंगा। इसका जब हम लोग भाषाओं का जब स्टडी करते हैं सारे इंडियन लैंग्वेजेस में तेलुगु एक अलग भाषा है। तेलुगु भाषा को बोलते हैं इटालियन ऑफ द ईस्ट मतलब ये पूर्वोत्तर जो मतलब पूर्वी देशों में एक इटालियन लैंग्वेज जो पश्चिम में है उसका तुलना कर सकते हैं तेलुगु भाषा कैसे तेलुगु भाषा जो है इट एंड्स विथ वोवेल्स मतलब सारे भाषा आप किसी भी भाषा को देखो वो कॉन्सोनेंट से एंड होता है हल बोलेंगे आप हल मतलब हल बोलेंगे अब बोलेंगे ये अब हल का जो भी वर्ड है भगवान बोलेंगे ये सब हलंत है। सो सारे भाषाएं चाहे तमिल ले लो कोई भी भाषा ले लो हर भाषा हलंत है सिर्फ तेलुगु एक भाषा है वो जो है वो वोवेल से जो एंड होता है बाकी सब भाषाएं कॉन्सोनेंट से एंड होता है। तो इस वजह से पश्चिम में सारा भाषाएं देखेंगे सारे भाषाओं में सिर्फ इटालियन ही एक भाषा है जो वोवेल से एंड होता है। इंग्लिश में देखिए एन से मतलब वो भी जो है कॉन्सोनेंट से एंड होगा जैसा हमारा नाम है मेरा नाम सत्य नारायण नहीं सत्य नारायण ना बोलेगा हा ये जो है जहां मेरा नाम होगा वो दीर्घ होगा वहां सत्य नारायण ना होगा जो ना मतलब हम पर अन्न जहां आएगी वो तमिल का है वो तमिलनाडु हो गया। तो इसी तरीके से रामचंद्र बोल दिया तो तमिल का हो गया या हिंदी का हो गया रामचंद्रुडु बोला फिर वो तेलुगु का हो गया डू मतलब इट एंड्स विद वोवेल। सो तेलुगु भाषा का जो ब्यूटी है वो वोवेल से एंड होता है इसीलिए तेलुगु भाषा को ये कहा जाता है वो सुनने वाले के लिए बहुत मधुर रहता है मृदुल रहता है। तेलुगु भाषी जो है वो कठिन हो ही नहीं सकता तेलुगु भाषा में गालियां देना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि सामने सुनने वालों को ये अच्छा इतना मधुर बोल रहा है इतना मृदुर बोल रहा है वो गाली कैसे दे रहा है गाली नहीं हो सकती जी। और कोई बात देखिए मेरा दिल का जो काम है मैं आपको बता रहा हूँ दिल का जो भाषा है दिल का मेरा काम है वो साहित्य कहीं ना कहीं वो मैं जब एसपी था काफी व्यस्त रहते थे कभी कुछ लिखने का मौका नहीं मिलता था मगर कभी दिल का दर्द हुआ कभी कोई दिल में ऐसा कोई चीज छू लिया तुरंत मैं कोई पोएम लिख दिया। तो एक दिन मैं एसपी मिर्जापुर थे एसपी मिर्जापुर के रूप में 3 साल काम किया था एक थाना में जो है पति पत्नी का झगड़ा का सुलझाने के लिए मैं बैठ गया वो पति पत्नी जो है वो दोनों अलग थलग हो गए मगर झगड़ा को उसको मैंने कहा भाई ठीक है दोनों को पंचायत में खुद करूंगा वहां बैठे थाना जगना में जब बैठ गए तो फिर
मैं जाना उसका शुरू किया, मैं कैसा कर जाएगा शुरू हुआ। फिर बात ये आई शादी से पहले, जब शादी था बहुत होगा, दोनों मजदूरी का काम करते तो बहुत गरीब, निहत्ता गरीब थे। तो जब शादी तय हुई, जो लड़का ने सोचा वो एक लड़की को कुछ गिफ्ट देना चाहिए मुझे, उन्होंने मोबाइल फोन, बढ़िया मोबाइल फोन से बड़े गिफ्ट कोई ले सकता है, सोने भी आज के डेट में इसके सामने उन्होंने एक मोबाइल फोन, बढ़िया मोबाइल फोन खरीद के उनको दिया। तो मोबाइल फोन उन्होंने लड़की ने लिया। फिर शादी हुई, शादी होने के कुछ दिन बाद इनको लगा ये मोबाइल मुझसे बात नहीं करती है, किसी और से बात करता ये बात तो बिल्कुल सही है, जब मैं घर पर नहीं था तभी ये बात कर रही है, कुछ गड़बड़ है। तो ये पेशेंस के साथ उनको धीरे धीरे समझाने के लिए प्रयास किया। फिर एक दिन जो है मोबाइल फोन उनसे लेके कहीं छुपाने का प्रयास किया। फिर रोई गई, फिर इनका मोबाइल फोन, जब बीवी रो रहे तो फिर क्या करोगे, पत्थर का दिल भी टूट जाएगा, हम तो इंसान तो मोबाइल फोन दे रखता है। फिर दे दिया उन्होंने मोबाइल फोन, जब दे दिया फिर शुरू हो गए। फिर उन्होंने कहा तलाक, अब नहीं बहुत हो गया, अब तुम्हारा मेरा बैठे के नहीं, तुम तो मुझसे बात नहीं कर सकते, हमसे किसी और से ठीक से वो तुम्हारा ये हो गया। तो रोई गाई का हाथ पकड़ी, बैग पकड़ी, दो चार झापड़ मारा इन्होंने, बस छुट्टी हो गए। वो मैके पर आ गए तो सप्तम साहब को कंप्लेंट किया, मैं बैठ गया। तब मैंने दोनों का मोबाइल फोन निकाल के फिर जो है कॉल डिटेल्स निकलवा के, पूरा कॉल डिटेल्स के जरिए दोनों को बैठा के फिर समझाया। ऐसा तीन चार सीटें मुझे करना पड़े उनसे, फिर समझा के किस किस से बात किया, उन सबको मैंने सामने बुलाया। वो सब सामने आया, अरे तुम लोग ऐसे कोई गलती मत करो, खत्म सब बोला नहीं गा। तो जब सामने आ गया तो ये पता चला इनका जो है चचेरा भाई ये है और इनका दोस्त कोई और है, वैसे ही बात था, पारिवारिक बात थी। इसी बात शुरू से जो है जैसा चचेरा भाइयों के साथ दोस्ती तो रहती है गांव में, तो वैसा बात कर रहा था। फिर इनका आंख खुल गई, फिर उनको तो जाओ 12 महीने भैया अब ठीक हो जाओ, फिर वो जो है ठीक से दोनों का जोड़ दिया। मैंने उस पर कहानी लिखा, थैंक यू सेल फोन। तो
स्टूडेंट्स का करियर काउंसलिंग के लिए कई कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें आते रहते एक अनुभव मुझे हुआ, स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए, उनके लिए कुछ लिखना चाहिए। एक पब्लिशर हमारा पीछे पड़ गए थे, वो उन्होंने कहा सर हमारे लिए आप एक किताब लिख लिया कर। फिर तब हमने कृषि मुद्दे करके तेलुगु में एक किताब लिखा, वही जो है हिंदी में कोशिश से कोर्डिनेट हो गया, तो वो किताब काफ़ी अच्छा चली, अभी 3 एडिशन कम्प्लीट हो गया, वो बढ़िया है। तो उसके बाद फिर यहाँ घूमे, फिर केदारनाथ सिंह का पोइट्री का ब्लॉक है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है सर, नई पोइट्री है नहीं। तो उनका बुक चढ़िए एक कविता भी लिखा हूँ, ऐसे उनका बुक मेरे पास है। तो ये जो है तो ये उस पर 100 कविता उनका मैं लेके तेलुगु में ट्रांसलेट किया, तो तेलुगु में काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो ऐसा है, तो ऐसा वो भी हो गया। तो धीरे धीरे मैं कुछ लिखता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, तो लिखता था और फोन की बात करें, जब किसी शख्स हमारे के लिए फ़ोन करते हैं तो उसमें ये आता है कि अंग्रेजी के लिए एक दवाई और हिंदी के लिए दो, ये प्रारूप कब बनेगा कि हिंदी के लिए एक दवाई और अंग्रेजी के अंग्रेजी के लिए एक दबाओ, तेलुगु के लिए दो दबाओ, हिंदी पीछे चले जाएगी। फिर वहां आप ये नहीं कह सकते हो भाई हिंदी मेरा दूसरा नंबर से तीसरा नंबर पे चल रहा है। ये नंबरों के चक्कर कौन से नंबर पर क्या बड़ी है, नहीं आप जो है ओपन माइंड के साथ रहिए, सबको जीना है, सबको जीने दो, तुम भी जीना है मुझे भी जीने दो, ये नहीं है तुम्हारे नंबर के चक्कर में मेरा नंबर क्यों काट रहा हूं। सर एक चीज सर लास्ट, सर स्टूडेंट लाइफ में सर जो टेंशन और प्रेशर है सर, चाहे वो फेल्योर का हो सर, चाहे लव का हो, चाहे फैमिली प्रेशर हो, ये सर आप भी सर दो बार सर क्रॉस किए सर, तो आपको बट उस प्रेशर को कैसे मैनेज किया जाए सर, चाहे वो फैमिली हो, चाहे लव हो, चाहे फैमिली हो सर। ये बात बिल्कुल सही है, स्टूडेंट्स का प्रेशर रहता है। यस सर, स्टूडेंट्स का प्रेशर रहता है, हमारा जैसा अधिकारियों का भी प्रेशर अलग रहता है, ये प्रेशर को पर हर जगह प्रेशर बना के रखती है, है ना। यस सर, तो प्रेशर से आप मुक्ति कैसे पाओगे, जब आप अपने पर एक फोकस रखेंगे, दूसरों पर ना रखे, अपने पर फोकस करो, जैसा हम अपने काम में, जैसा तो आप कह रहे हैं पेरेंट्स का जो प्रेशर है, मतलब मुझ पर पेरेंट्स का बहुत प्रेशर नहीं था, मगर फाइनेंशियली थोड़ा सा दिक्कत वाला टाइम था, मैं पाल मेरा पिताजी के लिए मेरे लिए कुछ पैसा भेजना बड़ा मुश्किल काम था, बट ठीक है, हम ये सोचते थे ये मेरा काम है, मुझे करना है, मुझे IAS बनना है, ये तय कर लिया मैंने, चाहे कितने भी मुश्किलें हो मैं सब पार करूंगा। तो मैं टीचरिंग का काम करते थे, टीचिंग करते थे, फिर ऐसा मतलब वैसा मैंने किया, फिर लव अफेयर भी था, बीच में लव था, तो लव हो तो फिर मैं जीवन में जो है मैंने ये चीज सीखा, किसी चीज को किसी चीज के ऊपर ओवरलैप मत होने देना, जिंदगी एक सर्किल मान लीजिए एक ग्लोब है, उसमें आप सेक्टर में जब डिवाइड करेंगे तो हरेक का अलग अलग बॉक्स है, चाहे लव के लिए एक अलग बॉक्स है, और पढ़ाई के लिए एक अलग बॉक्स है, फैमिली के लिए एक अलग बॉक्स है, अलग अलग है, एक दूसरे के ऊपर लैक हो गया जिंदगी बर्बाद हो गया। कई लोग क्या करते हैं, जैसे आपका लव है, लव हो तो मान लीजिए आपका लव फेल हो गया, जिंदगी को आपने बर्बाद कर दिया, देवता सुबह आप दो बार मंगवाया थोड़ा दौड़ दिया, दिन रात दारू पीते पीते बन जाते, अरे ठीक है एक चले गए तो चले जाए, तो फिर वो बॉक्स को यदि आप आना चाहिए तो दूसरे से करो, नहीं तो बॉक्स को छोड़ दीजिए। तो जिंदगी में हर एक बॉक्स को अलग अलग ही रखिए, वापस लग मत होने देना, जैसा पढ़ाई है पढ़ाई के लिए, जैसा हम नौकरी कर
करना था तो ऐसा था, हम लोग का कई परिवार जैसा ऐसा होता है, नौकरी जिंदगी है। अरे नौकरी जिंदगी थोड़ी है, नौकरी एक बॉक्स है, उस बॉक्स में हम जी रहे हैं। साथ में मैं साहित्य को क्यों छोड़ू? अब आप साहित्यिक सम्मेलन, साहित्यिक का जो मेरा मित्र मंडली है, सब जहाँ भी मैं जाता हूँ वहां जुड़ जाता है, तो क्योंकि वो मेरा अलग बॉक्स है। ऐसा नहीं है साहित्य की वजह से मैं नौकरी छोड़ू, ये भी नहीं है, नौकरी भी चलना चाहिए। बात समझे नहीं? ये दोनों की वजह से मेरा फैमिली सफर नहीं होना चाहिए। फैमिली का अलग बॉक्स है, उनका काम उनका टाइम उनके लिए दे देते हैं। मैं ठीक है, मैं जब भी मैं घर जाता हूँ मेरा बच्चों से जरूर मैं बात करता हूँ, आपको मैं बताऊँ बच्चों के साथ मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, और खासकर मेरा बेटी और बेटे से वो कहता रहता है कि इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछता रहता है, ऐसा कोई फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछते हैं, मैं भी ये करता हूँ, ये पोएम लिखा हूँ, इसका मीनिंग तुम बताओ कैसा है, कैसा लगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, हर एक का बॉक्स अलग अलग है, लेट द बॉक्स शुड नॉट ओवरलैप। किसी के ऊपर ओवरलैप हो गया वो जिंदगी बर्बाद हो गया, राइट। चलो ओके, और इस अच्छी एक कविता सर कौन सी है, वो भी मैं केदारनाथ सिंह पर लिखा हुआ कविता तो मैं पढ़ूंगा, बाकी कई कविता है कुछ हिंदी में लिखे थे वो भी सुना, कहीं है तेलुगु वाला हिंदी में सुना होगा। एक केदारनाथ सिंह को एक कविता मैंने केदारनाथ सिंह जी के ऊपर मैंने लिखा, केदार जी को मैंने नहीं देखा, वे हवा में ऑक्सीजन की तरह मेरे कमरे में घुसे, आज ही रात किसी ने उन्हें नहीं देखा, मुस्कुराते हुए वे मेरे बिस्तर पर बैठे, वे मुझे देख रहे हैं या नहीं मैं नहीं जानता, उनकी आंखों में बिंब नाच रहा, उनके चिड़िया जैसे शरीर में होंठों तक आकर शब्द संगीत बन जा रहे हैं। माँ की रोटी में स्वाद की तरह उनके शब्द मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, मैं उन्हें सुन रहा हूं, मुझे मालूम नहीं वे मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं, उनकी आवाज मेरे दिल के दरवाजे के पीछे गूंज रही है, वे मुझसे पूछते हैं क्या तुम गणित जानते हो, हाँ मैं सिर हिलाया, कौन कौन सी चीज तुम देख सकते हो, कौन कौन सी तुम नहीं देख सकते हो, जिनका असर तुम पर ज्यादा हो हिसाब लगाओ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कागज कलम लेकर बैठा, बोल रहा था वे मेरे हिसाब को समझ रहे हैं या नहीं, उनके गणित का मतलब मैं समझ रहा हूं। समझ गया? सुबह होने से पहले वे निकले मेरे कमरे से, मेरी तरफ देखते मंद मंद मुस्कुराते हुए, मैं उनको देख रहा हूं वे मुझे देख रहे हैं या नहीं, यह मेरी समझ से परे है। वे मेरे कमरे के दरवाजे से निकलते निकलते आसमान के तारे में तब्दील हो गए हैं, मैं उनको देख रहा हूं तारे में नहीं, तारे की रोशनी में। ये जो है केदारनाथ सिंह का गणित का मतलब आप लोग बाद में समझा, समझ लीजिए क्या गणित मुझसे पूछा उन्होंने, मैंने क्या समझा। क्यों ये कविता तेलुगु में जो मैंने लिखा था कुछ दिन पहले, आपने जो कहा तेलुगु में पढ़ू हनुमान ఒక సన్నటి నిశ్శబ్దం తలుపు తాళం చెవి కన్నంగుండా మా ఇంట్లోకి దూరింది. ముందుగా వంటింట్లో ముఖం మార్చి కూర్చున్న రెండు పల్లెలను పలకరించింది. దొంగ దొంగ అని మిగతా గిన్నెలన్నీ గుంతెత్తి అరిచాయి. వడగదిలో గుర్తకిస్తున్న పరుపు ఏం కనబడలేదు. అక్కడితో ఆగలేదు. బీరువాలో పడుకున్న బట్టల రంగుల్ని చేతితో గిల్లింది. అలసి సొలసి ఆదమర్చి సేద తీర్చుకుంటున్న బట్టలు కివ్వమన్నాయి. అదే మొదలు అదే నిద్రలో పడగదిలోని పరుపు ఇల్లంతా తిరిగి తిరిగి తలుపు కింది సందులో నుండి పడగదిలోకి ఉరింది. నిశ్శబ్దంగా పరుపును నిలువుగా చేర్చింది. అప్పుడు కళ్ళు నుంచుకుంటూ ఆవలించుకుంటూ నిద్రమత్తు వదిలించుకుంటూ లేచింది పరుపు.
అప్పటికి భూకంపం వచ్చేసింది. దాని కాలకంగా ఆకాశం రెండుగా బద్దలైంది. ఆ రాత్రి రెండు తలదండలు వెక్కివెక్కి ఆడడం ఇంట్లో వ్యాపించిన నిశ్శబ్దానికి మాత్రమే స్పష్టంగా ఉంది. इसका मीनिंग जो आपको मैं बता रहा हूं, एक छोटी सी निश्चयता हमारा दरवाजे के कुंजी के माध्यम से, कुंजी के माध्यम से मेरे घर के अंदर घुसी. पहले हमारे किचन के अंदर, मतलब किचन को क्या बोलते हैं, रसोई, पहले रसोई में जो उदार दृष्टि से बैठी हुई दो प्लेटों को वो परोस रही, बुलाया, मतलब बात किया, दो प्लेटों से वो बात किया. जो अन्य बर्तन, वहां का जो अन्य बर्तन है, चोर चोर कहके वो बड़ी आवाज से चिल्लाया. जो बेडरूम में, बेडरूम का मतलब सेंट का मतलब बेडरूम में जो सो रही थी, जो हमारा गद्दी सो रहे गद्दी को कुछ भी सुनाई नहीं दिया, वहां रुकी रही है. फिर वहां से चल के वो अलमारी के अंदर जो कपड़ों का रंगों को वो छुया, वो कपड़ों का रंगों को वो छुया, जो वहां सो रहे थे जो कपड़े हैं वो भी चलाया. मगर उसी नींद में, उसी गहरी नींद में हमारा जो गद्दी वैसे ही पड़ी है, वो बेडरूम में. वो घर का कोने कोने वो घूमी, घर के कोने कोने वो घूमी. फिर दरवाजे के जो हमारा बेडरूम का दरवाजे के नीचे का जो रास्ता है, उस नीचे का रास्ता से धीरे से अंदर घुसी, हमारा गद्दी को दो टुकड़ों में फाड़ दिया उसने. तब जो है आंख ठीक करते हुए और जो है हाल करते हुए वो जो है नींद से उठते हुए, नींद से उठी है वो हमारा गद्दी. मगर तब तक एक बड़ी भूकंप आ चुकी है और हमारा भाई के नीचे का आसमान को दो टुकड़े में कर दिया है. उस रात में दो तकिया भोर से रो रही थी और उसको कोई नहीं सुना. सिर्फ उस पूरा घर में जो फैला हुआ एक निशब्द है वही सुना है. इस कविता किससे किस मतलब है, अकेलापन का दुख है सर. हाँ, अकेलापन का दुख है सर. कभी तो नहीं सर, क्या नहीं कैसे सर, दुख में खोए होते हो क्या, क्या हो जाता है, समझ नहीं पाते हैं सर. सुबह का प्रसंग, अरे तुम लोग हिंदी साहित्य का बोल रहे हो. सर सुबह की पहली किरण ये हो सकता है सर. मैंने आपको पहले ही एक कहानी बताया था मैंने, थैंक यू सर. वो किस चीज को लेकर मैंने लिखा, वो झगड़े के लिए, पति पत्नी का झगड़ा है, किसी के आधार पर झगड़ा शुरू हुआ. सेल फोन क्या डर, सेक्स के आधार पर, ये सेक्स से संबंधित है. जब सेक्स शुरू हो गई, आपका घर में जो है सेक्स शुरू हो गए, बिस्तर दो पार में हो गए, वो कैसा दो पार में हो गए मैंने उसमें मैं लिखा. हाँ हाँ.
फिर मैंने लास्ट में लिखा है दो तकिया रो रही थी, कौन है वो दो तकिया? पति और पत्नी सर। पति पत्नी तो सर झगड़ा कर रहे हैं, अभी मार रहा है, अभी कोर्ट में पहुंच रहा है, वो कहाँ रो रहेगा? वो रोएंगे नहीं, बच्चे सर, वो बच्चे है वो रो रहे हैं वहाँ, और उसको कोई और सुन नहीं रहा है। कौन सुन रहा है? निश्चय जो घर में पूरा फैल गई है वो निश्चय उसका सुन रही थी, और कोई सुन नहीं पा रहा है क्योंकि किसी को सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि उनका दोनों के बीच में जो फासला है वो निशब्द के से कवर हो गया है, वही निशब्द ही सुन पाएगी उसका वो जो रोने का। ठीक है yes, और बताइए बस बढ़िया। हाँ बताओ। अरे फिर वापस वही चले गए क्या? अनुवाद का अनुवाद के बीच में आपको जो समस्या आएगी, एक अनुवादक जिसका अनुवाद आप कर रहे हैं उसके दिल में आपको प्रवेश करना होगा। जैसा मैं अभी केदारनाथ सिंह मेरे अंदर घुस गए हैं, कैसे घुस रहे हैं आपको मैंने पढ़ के सुनाया था हिंदी कविता, वैसा जो है आपका जिसका अनुवाद आप कर रहे हैं उसका प्रभाव उसका असर आपके ऊपर होना चाहिए, उसको आपको दिल से लेना होगा। मैं कैसे लिया? केदारनाथ सिंह का कितने लोग जानते हैं? सबसे मैंने मुलाकात की केदारनाथ सिंह का जाने वाला लोगों से, उनका दोस्तों से, उनका पारिवारिक सदस्यों से, पारिवारिक सदस्य कई हैं, उनका बेटियां हैं, उनका बेटे हैं, सबसे मैं मुलाकात किया और उनका घर परिवार का, उनका गाँव गया, उनका गाँव घर देखा, फिर वहां गाँव में क्या क्या चीजें हैं सब देखा, तो वहां का गाँव का लोगों से, उनका पुराने लोग हैं उन लोगों से बात किया, वो कैसा रहते थे, कैसा खाते थे, कैसे पीते थे, कहाँ घूमते थे, ये सब चीजें जानकारी की। तब जाके उनका एक चित्र मेरा दिमाग में बन गई, ये केदारनाथ सिंह ऐसा दुबला पतला था, इतना सादगी में रहते थे, इतना सरल रहते थे, वो किसी चीज का परवाह नहीं करते थे। कई कई चीजें हैं उसके बारे में मुझे लिखना हो तो मैं उनको मैं कभी देखा नहीं है ना कभी मैंने उनका सुना, फिर भी जो है आज के डेट में उनके बारे में आप मुझे कहोगे मैं लिख सकता हूँ, खूब लिख सकता हूँ उनके बारे में। क्यों? क्योंकि उनका हर एक चीज को मैंने परखा, जाना, रिसर्च की उसने। तो किसी चीज पर आप लिख रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में भी पहले जानो। कोई भी कवि अपना व्यक्तित्व के परे नहीं है, और किसी कवि को उनका व्यक्तित्व से अलग करके जब देखोगे तो उस कवित्व का उस साहित्य का मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। तो उससे किसी भी किसी का साहित्य को समझने के लिए उस व्यक्ति का अंदर तक प्रवेश करना होगा, उनका व्यक्तित्व समझना। राइट, थैंक यू। आप खुद देखे कि अनुवाद करना इतना कठिन है कि कल को अपनी कविताओं का हिंदी में अनुवाद करना कितना मुश्किल बना। जिन लोगों ने किराली में कविता पढ़ी, हमारे बच्चे किराली में पढ़ते हैं, उनकी कविता में आता है क्या हमारा गरीब इतना कमजोर है केदारनाथ सिंह, उनकी कविता में आता है सबसे हाल से याद कर ले तारा, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। हमारे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में मित्र लोग बैठे हैं, नेक्सलिज्म और सोसाइटी वो जो किताब है उस पर अलग से डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, काम की बात है। मैं प्रिंसिपल साहब डॉक्टर प्रोफेसर एस डी सिंह साहब से बोलने से पहले मैं दो मिनट का ब्रेक और केदार जी की एक कविता के साथ बाद में उनको बुलाऊंगा। मैं द्विवेदी से आग्रह करूंगा केवल दो मिनट केदार जी की प्रारंभिक दिनों की एक कविता धान उगेंगे फिर प्राण उगेंगे, अपने मेरे अनन्य डॉक्टर राकेश कुमार द्विवेदी से आग्रह है। बहुत सारे प्रश्न आपने किए सर ने जवाब उसके जवाब दिए, अब
एक बहुत अच्छी बात कही कि दिल की बात, दिल की आवाज जो नहीं सुन पाता वो दुनिया में चाहे जो करे बड़ा काम कर नहीं कर सकता। तो इससे इस बात से मैं भी मुतमईन हूँ। और एक जैसा कि पाठक जी ने कहा कि ताज सप्तक के तीसरे सप्तक के कवि हैं केदारनाथ सिंह जी, और मैंने बहुत सुना है, कभी जैसा भी बताया, एक उनकी कविता का पाठ यहाँ कर रहा हूँ। और कविता उन्होंने जिस भाव में लिखा है मैंने प्रयास किया है कि उस भाव को उसी तरह से चित्रित करें। तो देखिए इसका शीर्षक है धामों का गीत। धामों का गीत ग्रामीण पृष्ठभूमि है, कोई स्त्री है जो एकदम पति पकाए धान के खेतों के बीच में वह धान को काट रही है, और बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, बगल में कोई जलाशय है जहाँ कुछ वृक्षों की पंक्तियाँ खड़ी हैं और उनकी झालरें, उनकी छाया जो है, उनकी छाया का बिंब जो है जल में पड़ रहा है। कैसे कैसे दृश्य इसमें बदलते हैं कि देखिए मैं इसको गीत के लय में गाने की कोशिश कर रहा हूँ। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में आना जी बादल, आना जी बादल। वो महिला खेत काटते हुए ऐसा बादलों को देख के उसके हृदय के जो भाव है उसको प्रकट करते हैं। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में आना जी बादल। चंदा को बांधेंगे कच्ची कलियों, सूरज को सूखी रेत के आना जी बादल। आगे पुकारेगी सुनी गगरिया, पीछे झुके बनके तो संझा पुकारेगी नीली खड़िया, भोर हुए घन खेत हो आना जी बादल। धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, कपेंगे हमारे खेत में आना जी बादल। धूप धरे तुलसी बन झरेंगे, सांझ भीर पे कनेर हो, धूप ढरे तुलसी बन झरेंगे, सांझ भीर पे कनेर हो, पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, धान दिए की बेल में आना जी बादल। झीलों के पानी में खसुर हीरे, झीलों का पानी जो पेड़ का बिंदु, झीलों के पानी में खसुर ही लेंगे, खेतों के पानी बबूल, पछुआ के हाथों में साखे ही लेंगे, बुढ़वा के हाथों में फूल हो आना जी बादल। बादल धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में आना जी बादल। कभी
आईडी स्टार जैसे हैं और कहीं ना कहीं बीच बीच में हमारे सभी पाठक जैसे ऐसे हम कुछ कुछ कविता हमारे भी करते हैं बहुत बहुत स्वागत है।
कि कैसे केदारनाथ से तेरी एक मुलाकात खेल में हम लोग एक ही रूपए में जा रहे थे वो यूपीएससी के मेंबर के पास तो मैंने उनसे उनका कुछ अनुभव पूछा केदारनाथ से बोले यार आजकल के बच्चे जो होते हैं ना वो खाली रट्टा मार सोचते हैं कुछ हासिल नहीं है रट्टा मार के तो यार कुछ हासिल होने वाला है नहीं उन्होंने मुझसे पर्सनली कहा मैंने कहा सर इसको कोई अनुभव आपका उन्होंने कहा कि एक अनुभव है कि मैं एक इंटरव्यू में बैठा था यूपीएससी केदारनाथ से बैठे और एक व्यक्ति जो है इंटरव्यू जो देने आया थोड़ा देर में मिल गया तो होता यह कि जब आप देर में इंटरव्यू देने गए सबसे अपने दर पर नहीं गए तो आपको सबसे अंत में बुलाया जाता तो सबसे अंत में उसको बुलाया गया देर में आने से अंत में आया तो मालूम है कि देर में आया था उससे पूछा गया भैया देर में क्यों आए तो बोले साहब गाड़ी में जिस टैक्सी से मारा थे टैक्सी खराब हो गई तो केदारनाथ सिंह जी ने मुझसे कहा पूछा कि आपने क्या पढ़ाई पढ़ाया उनका मैं मैकेनिकल उन्होंने कहा कि गाड़ी में क्या खराब हुआ था तो सर ये तो मैंने देखने को क्योंकि मैं इंटरव्यू देने के टेंशन में था इंटरव्यू देने के टेंशन में आप अपना विषय जो आपका है मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या आप क्या अपने विषय को क्या भूल गए कि आपको जानना चाहिए गाड़ी में क्या मिल रहा है रचनात्मक दृष्टिकोण से आप सभी लोग रचनाकार हैं थैंक यू वेरी मच